हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आप सभी का इस अकाउंटेंसी क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज एग्जांपल ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे रिलेटेड शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। एग्जाम्पल नंबर वन, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रोस फॉर ₹180 पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच। व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच इशूड इज एट पार एंड एट प्रीमियम। एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस फॉर ₹1। देयर आर ओनली टू एंट्रीज, नंबर वन फॉर परचेजिंग ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड इज फॉर इशू ऑफ शेयर। सो नंबर वन, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रोस अकाउंट, दिस इज जर्नल फॉर व्हाट, परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम राम ब्रोस। यहां पर राम ब्रोस से बिजनेस परचेज किया गया, अमाउंट 180. द सेकेंड एंट्री इज इशू ऑफ शेयर एट पार, राम ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर टू राम ब्रोस। नेक्स्ट एंट्री जर्नल नंबर थ्री, इशू ऑफ राम ब्रोस एट प्रीमियम। तो जब भी प्रीमियम में शेयर इशू करना है तो एक वर्किंग नोट नंबर ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट करना है। द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ शेयर इज परचेज कंसिडरेशन बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। 180 इज द परचेज कंसिडरेशन, 100 इज द फेस वैल्यू, प्रीमियम इज 20%। सो 20% ऑफ 100 इज ₹20। सो 180 बाय 120 वी गेट 1500। सो 1500 इज व्हाट, नंबर ऑफ शेयर। जर्नल फोर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, राम ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। राम ब्रोस परचेज ए बिजनेस एट व्हाट अमाउंट, 1,80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर जस्ट आई हैव फाइंड आउट 1500 एंड फेस वैल्यू इज 100, सो इट विल बी 1,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर इज 1500 एंड प्रीमियम इज ₹20, सो इट विल बी 30,000। सो माई डियर स्टूडेंट, हेयर इज जर्नल फॉर परचेजिंग ऑफ बिजनेस। हेयर इज नॉट मेंशन द नेम ऑफ एसेट्स, दैट टाइम वी विल राइट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नॉट मेंशन द नेम ऑफ एसेट्स, ओनली हेयर रिटेन परचेज ऑफ बिजनेस, सो वी विल राइट सन्ड्री एसेट्स। एग्जाम्पल नंबर टू, रंजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। रंजन लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹2,50,000 एंड पेबल एज ₹220 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स।
2,20,000 in fully paid equity share of rupees 10 each and balanced by a bank draft. The assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery 90,000, building 90,000, sundry debtor 30,000, stock 50,000, cash 20,000, sundry creditor 20,000. Journalize the above transaction. Ranjan Limited. So journal of Ranjan Limited. Journal of Ranjan Limited. Purchase a business. जैसा कि हमने आपको बताया है कि सारे डेबिट, सारे एसेट्स को डेबिट करना है और लायबिलिटी को क्रेडिट करना है. सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सारे एसेट्स को डेबिट करना है और उसके जो रेस्पेक्टिव अमाउंट है उसको लिखना है. प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90, सन्ड्री डेटर 30, स्टॉक 50 और कैश 20. सारे एसेट्स को डेबिट करना है और लायबिलिटी को क्रेडिट करना है. टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, विकास लिमिटेड 2,50,000. नाउ ये जो हमारा डेबिट में है उसको ऐड करेंगे और जो क्रेडिट में है इसको ऐड करेंगे और एक दूसरे को माइनस करेंगे. देन वी गेट देयर इज डेफिशिएंसी ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में 20,000 का डेफिशिएंसी पाया गया तो उसको हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अगर ये डेबिट में कम होता तो वहां पर गुडविल अकाउंट लिखते और अगर क्रेडिट में कम होता है तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो जब इसको सारे एसेट्स को ऐड किए और सारे लायबिलिटी को ऐड किए, एक दूसरे को माइनस किए, द डिफरेंस इज 20,000 और कम किधर हो रहा था, डेफिशिएंसी किधर हो रहा था, क्रेडिट साइड में. अगर डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड में होगा तो आप लिखिएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट और अगर डेफिशिएंसी एसेट साइड में होता तो वहां पर क्या लिखते, गुडविल अकाउंट. नाउ जर्नल नंबर टू, अब हम उसको शेयर इशू करेंगे. शेयर इशू करने के लिए एंट्री, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यहां पर शेयर के साथ साथ उसको एक ड्राफ्ट भी देना है तो उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. टोटल 250 का उसको पेमेंट करना है तो 220 का हम क्या दे दिए, उसको इक्विटी शेयर दे दिए और 30,000 का क्या दे दिए, उसको हम एक बैंक ड्राफ्ट दे दिए. एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स लिमिटेड इशूड 2,500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेस. प्रमोटर्स वी हैव टू यूज इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस. सो इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, नंबर ऑफ शेयर इज 2,500 एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10. सो इट विल बी 25,000. सो दिस इज द जर्नल 4
इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। जब हम प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं इन कॉरपोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। ये जर्नल किसके लिए था? इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। नेक्स्ट इज इशूड 2000 शेयर ऑफ 110 इज क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द अंडरराइटर फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विस। तो अंडरराइटर के लिए सबसे पहले हम उसका ड्यू दिखाते हैं, बाद में उसको शेयर इशू करते हैं। तो उसके लिए दो एंट्री, पहला अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। नंबर ऑफ शेयर इज 2000, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, सो इट विल बी 20,000। दिस इज द जर्नल फॉर अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। एंड नेक्स्ट जर्नल इज टू इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स 20,000, 20,000। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। थैंक यू।